हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विद सीए ओबीसी यूट्यूब चैनल। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे, नवोदय विद्यालय क्लास सिक्स के अंतर्गत आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए फॉर्म फिलअप प्रोसेस के संबंध में, और फॉर्म भरने से पहले आपके पास में स्टडी सर्टिफिकेट होना जरूरी है जो कि स्कूल के माध्यम से आप प्रिंसिपल के माध्यम से इसको फिल करवाना है। स्टडी सर्टिफिकेट के संबंध में ये वीडियो बनाया गया है कि स्टडी सर्टिफिकेट आपको किस तरह तैयार करना है, क्या फिल करना है। जैसे कि यहाँ पे फॉर्मेट मिल जाता है आपको डाउनलोड करने के लिए, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने फॉर्मेट देख लिया है, अभी यहाँ पर डाउनलोड भी कर दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये फॉर्मेट है जो आपको फॉर्मेट को पीडीएफ में या फिर जेपीजी फॉर्मेट में तैयार करके फिर इसको अपलोड करना रहता है। जब भी आप फॉर्म फिल करते हैं कुछ इस तरह का फॉर्मेट होता है जो कि आपको अपलोड करना पड़ता है। जैसे जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करते हैं तो आपके 50 से 300 KB के मध्य का होना जरूरी है जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं। यहाँ पर एक मैंने सर्टिफिकेट है वो तैयार किया है भर के, आपको इस तरीके से सर्टिफिकेट फिल करना है। उससे पहले अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। फॉर्म भरने का प्रोसेस हमने अलग वीडियो बनाया है जिसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, उसको देख के फॉर्म भरने का प्रोसेस भी आप समझ पाएंगे। इस वीडियो में सिर्फ अपन स्कूल सर्टिफिकेट के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं सर्टिफाइड दैट द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो आर करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ, यहाँ पे स्टूडेंट का नाम दर्ज करना है आपको। फर्स्ट में यहाँ पे स्टूडेंट का नाम आपको दर्ज करना रहता है जो कि आप ये स्कूल से तैयार करवाना है। और उसके बाद में है हु इज स्टडिंग इन क्लास फाइव एन, यानी कि पाँचवीं क्लास में स्टूडेंट कहाँ पढ़ रहा है, यहाँ पर आपको अपने स्कूल का नाम दर्ज करना है स्टूडेंट के। उसके बाद में यहाँ पे स्टूडेंट का नाम दर्ज करना है जो कि कैपिटल लेटर में होना चाहिए बड़े अक्षरों में, और फुल नेम दर्ज करना है। उसके बाद में फादर नेम दर्ज करना है, फिर आपको मदर नेम दर्ज करना है। उसके बाद में यहाँ पे स्टूडेंट का कैंडिडेट फोटो पेस्ट करना है, यानी कि स्टूडेंट का नवीनतम फोटो है वो यहाँ पर पेस्ट करना है। और उसके बाद में आपके अगर स्टूडेंट का कोई गार्जियन है तो आप वो भी अपना नाम दर्ज कर सकता है, और उसका रिलेशन भी यहाँ पे दर्ज करना है कोई है तो, वरना आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दर्ज करनी है, जैसे यहाँ पे डी का मतलब होता है डे, फिर आपका मंथ आ जाएगा और यहाँ पे ईयर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे जैसे सिंगल डिजिट है तो उसके आगे जीरो कर दें, और मंथ भी आपके सिंगल डिजिट में आ रहा है तो उसके आगे जीरो कर सकते हैं, और फिर आपको ईयर यहाँ पे दर्ज करना है। जैसे 01/01/2015 मैंने यहाँ दर्ज किया है, यानी 1 जनवरी 2015 का जन्म बताया है। और उसको फिर शब्दों में यहाँ पे आपको लिखना है, या आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं और अपनी हिंदी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में फिल करते हैं तो वो सफिशियंट रहेगा, इसलिए आपको प्रायोरिटी इंग्लिश लैंग्वेज को देनी है। उसके बाद में स्टूडेंट का जेंडर सेलेक्ट करना है, बॉयज हैं गर्ल्स हैं या ट्रांसजेंडर हैं। उसके बाद में बच्चे की कैटेगरी सेलेक्ट करना है कि उसकी कौन सी कैटेगरी है, वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा जो भी कैटेगरी है। उसके बाद में बच्चा अगर हैंडीक्राफ्ट है या डिसेबिलिटी है तो वो भी आपको यहाँ पे देख लेना है। अगर डिसेबिलिटी है तो शारीरिक रूप से है या देखने में है या सुनने में है, किस तरीके की डिसेबिलिटी है, और फिर वो कितने परसेंटेज है उसको दर्ज करना होता है। उसके बाद में स्टूडेंट का यहाँ पे आधार नंबर दर्ज करना रहता है, यानी कि आपके 12 अंकों का स्टूडेंट का आधार कार्ड बना हुआ है उसके ऊपर नंबर होंगे, उसको यहाँ पे पेस्ट करना है, यहाँ पे दर्ज करना है। उसके बाद में बच्चे का पैन नंबर दर्ज करना है, यानी कि परमानेंट एजुकेशन नंबर है, अगर है तो आप यहाँ पे फिल कर दें वरना आप इसको खाली छोड़ दें। फिर आपको यहाँ पे एड्रेस दर्ज करना है, आपका पूरा एड्रेस दर्ज करें। उसके बाद में गार्जियन का मोबाइल नंबर यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। फिर आपको स्टूडेंट की ईमेल, फिर स्टूडेंट का आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है, यानी कि बॉडी का कोई मार्क मार्क है वो यहाँ पे दर्ज करना है, जैसे मॉल ऑन फेस है या कुछ ऐसा मार्क जो स्थाई है उसको यहाँ पे दर्ज करना है। फिर एनुअल इनकम है, ये पारिवारिक एनुअल इनकम, फैमिली एनुअल इनकम आपको दर्ज करनी है। नेशनलिटी इंडियन है तो इंडियन सेलेक्ट करना है, और धर्म आपका कौन सा है वो यहाँ पे दर्ज करना है। फिर आप एग्ज़ाम है वो किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं, हिंदी मीडियम में या इंग्लिश मीडियम में, वो दर्ज करना है। नवोदय विद्यालय संबंधी नवीनतम अपडेट पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें जिससे आने वाली नवीनतम अपडेट आपको सर्वप्रथम मिल सके। उसके बाद में यहाँ पे स्टूडेंट की डिटेल दर्ज करनी है, जैसे उसकी क्लास थर्ड की डिटेल यहाँ पे दर्ज करनी है, फिर क्लास फोर की और फिर क्लास फिफ्थ की, यानी कि क्लास थर्ड में स्टूडेंट कौन सी स्कूल में था वो स्कूल का नाम, स्कूल ग्रामीण क्षेत्र की है या शहरी क्षेत्र की है, ग्रामीण क्षेत्र की है तो रूरल, और शहरी क्षेत्र की स्कूल है तो उसको अर्बन सेलेक्ट करना है। और फिर स्टूडेंट का एडमिशन कब हुआ था वो यहाँ पे महीना लिखना है और ईयर लिखना है। फिर स्टूडेंट ने तीसरी क्लास कब पास की है वो यहाँ पे दर्ज करना है, और फिर आपको यहाँ पे ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट और फिर आपका स्टेट सेलेक्ट करना है, ये स्कूल की डिटेल दर्ज करनी है। इसी तरह आपको क्लास फोर की भी डिटेल दर्ज करनी है और क्लास फिफ्थ की भी डिटेल यहाँ पे दर्ज करनी रहती है। क्लास फिफ्थ के अंतर्गत यहाँ पे अगर पासिंग एपियर स्टूडेंट है, अभी वर्तमान में कक्षा 5 का स्टूडेंट है, तो यहाँ पे इसको खाली छोड़ सकता है, जो कि मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग का है इसको खाली छोड़ सकते हैं। इस तरीके से ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में स्टूडेंट का यहाँ पे सिग्नेचर करवाना है,
और फिर आपको यहाँ पे पेरेंट्स का सिग्नेचर यहाँ पे करवाना है, माता पिता किसी एक का, और उसके बाद में यहाँ पे आपके हेडमास्टर के द्वारा यहाँ पे साइन करवाना है, और फिर स्कूल की यहाँ पे सील दर्ज करनी है। इस तरीके से आपका स्कूल का स्टडी सर्टिफिकेट है वो आपका तैयार हो जाएगा। स्टडी सर्टिफिकेट कंप्लीट होने के बाद में माता पिता किसी एक का हस्ताक्षर अपलोड करना रहता है, स्टूडेंट का हस्ताक्षर और आपके स्टूडेंट का फोटो, यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं उस समय अपडेट करना रहता है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट आपकी 16 सितंबर रखी गई है, तो 16 सितंबर से पहले फॉर्म फिल कर दें। फॉर्म आपका ऑनलाइन रूप से फिल होगा, और फॉर्म भरने का प्रोसेस हमने अलग से वीडियो बनाया है, उसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, उसको देख के फॉर्म भरने में आपको सावधानी रहेगी। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।